देश में आर्थिक आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी का 67वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक धूमधाम से नगर पालिका परिषद नवाबगंज में मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार गौतम एवं संचालन जिला सचिव विक्रम गौतम ने किया। उमड़े विशाल जनसमूह में लड्डू मिष्ठान भी वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या देवी पाटन मंडल बसपा के जोन इंचार्ज हसीब अली ने कहा कि देश में सामाजिक न्याय एवं सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती लड़ रही हैं। अन्य विपक्षी दल जाति धर्म मजहब के नाम पर समाज को बांटकर भोली भाली जनता को गुमराह करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। भाजपा इस देश के दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों की दुश्मन है। भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए बसपा गांव चलो अभियान चलाने जा रही है, जिसमें भाजपा सरकार की नाकामियों व बसपा सरकार में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर 2024 में बसपा की केंद्र की सरकार बनाना है। विशिष्ट अतिथि गया शंकर कश्यप ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की बदौलत देश में मंडल कमीशन लागू होने से पिछड़ों को शिक्षा नौकरी आदि में आरक्षण मिलना शुरू हुआ था, लेकिन पूर्व में मंडल कमीशन की दुश्मन रही भाजपा ने वर्तमान में पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करके और गैर संवैधानिक व्यवस्था लागू करना चाहती है, जिसे बसपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर प्रमुख रूप से मंडल जोन इंचार्जगण विजय कुमार गौतम, अजय गौतम, डॉक्टर माधव सिंह पटेल, के रावत, बराती लाल व जिला उपाध्यक्ष राम प्रताप मिश्रा, महासचिव अरविंद यादव, आसिफ खान, अनिल गौतम, दिग्विजय गौतम, आरपी गौतम, नौमीलाल फौजी, अजय गौतम, राधेश्याम रावत, विक्रम गौतम, विधानसभा अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतम, रमेश रावत, सूरज रावत, मुकेश कनौजिया, साहब शरण पटेल, रामू गौतम, राजेंद्र गौतम, पूर्व प्रमुख जयसी राम वर्मा डीडीसी आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।